हेलो गाइस, नमस्कार टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम है आपका इस न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं WCC3 का माई करियर मोड। और इसमें आज हम देखने वाले हैं कि क्या हम अपने जो पिछले मैच और पिछले वीडियो में जो हमने फास्टेस्ट सेंचुरी मारी थी, क्या हम उसका रिकॉर्ड खुद ही तोड़ पाएंगे आज या नहीं। तो गाइस, ये आपको मालूम होगा इस वीडियो के एंड में आज। तो अभी पहली गेंद फेस करेंगे हम, और पहली ही गेंद पे ये कमाल का शॉट खेला फॉर U6। बहुत ही अच्छी स्टार्ट, ऐसा लग रहा है जैसे कि अपने पिछले मैच के फॉर्म को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। दूसरी गेंद, दूसरा कमाल का शॉट और एक और सिक्स इस ओवर की दूसरी गेंद पे आता हुआ, लगातार दूसरा सिक्स। अब गेंदबाज कहाँ बॉल डालेगा, इस बार कदमों का इस्तेमाल, एक और सिक्स इसके साथ ही, तीन गेंदों पे तीन सिक्सेस। यहाँ पे हमारा बल्लेबाज निकोलस ये बल्ले से कहता हुआ कि मैं अपने पिछले फॉर्म को ही इस मैच में लेकर आया हूँ, पिछले मैच की फॉर्म को। इसी बीच उड़ता हुआ शॉट, इस बार वह फील्डर होगा मौजूद, मिलेगा केवल एक ही रन। तो गाइस, आपको ये वीडियो फैन तक देखना है क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसी बीच हमारे साथ ही बैट्समैन ने लिया एक रन और वापस से हम स्ट्राइक पे आ गए हैं। ओवर की आखिरी गेंद, क्या शॉट्स खेलेंगे? जी हाँ, और एक और सिक्स इस ओवर का, चौथा सिक्स आता हुआ यहाँ पे निकोलस के बल्ले से। कमाल का ये ओवर हमारे लिए रहा, हमारी टीम के लिए रहा। पहले ही ओवर में चार कमाल के उड़ते हुए शॉट्स और उनमें मिले हमें चार सिक्सेस। इसी बीच अगले ओवर की पहली गेंद पे ली जो हमारे साथी बल्लेबाज हैं, उन्होंने लिया सिंगल। अब है स्ट्राइक पे हम, क्या बड़े शॉट के लिए जाएंगे? जी हाँ, गए हैं, फील्डर कोई मौजूद नहीं वहाँ पे, और एक दफ़ा फिर से चौका मिलेगा। बहुत ही कमाल की लय में नजर आते हुए निकोलस, इसी बीच थोड़ा जल्दी खेल गए ये शॉट, और हालांकि फील्डर वहाँ मौजूद, लेकिन दो रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। तो गाइस, ओवर की चौथी गेंद, हम पहुँचे 31 रनों पे, और इन शॉट्स के साथ, इस शॉट के साथ पहुँचेंगे 35 पे, क्योंकि लगाया है कमाल का फोर यहाँ पे हमने। और ये देखिए, मात्र 8 गेंदों पे 35 रन। इसी बीच उड़ता हुआ शॉट, उड़ती हुई गेंद सीधा गई बाउंड्री के बाहर फॉर अ ह्यूज ह्यूज सिक्स। कमाल की बल्लेबाजी, यहाँ पे कहीं कैसा ना हो कि आज अब यूवी पाजी का रिकॉर्ड तोड़ दे फास्टेस्ट 50 का। एक और चौका यहाँ पे ओवर की आखिरी गेंद पे लगा दिया है। जैसा कि आप सबको मालूम होगा, यूवी पाजी का जो सबसे तेज 50 का रिकॉर्ड है, उन्होंने 51 किए थे 12 बॉल्स पे। तो क्या हम उस रिकॉर्ड के आगे निकलेंगे आज या नहीं, ये आपको मालूम होगा इस ओवर में। क्या हम यूवी पाजी के फास्टेस्ट 50 इन T20 या इन लिमिटेड ओवर्स में लगा पाएंगे? इसी बीच रन आउट होता हुआ यहाँ पे हमारे साथी बल्लेबाज, रन लेने की कोशिश थी, वहाँ रन था नहीं, और वापसी में बहुत लेट हो गया यहाँ पे। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद, नए बल्लेबाज ने लिया है सिंगल, और अब हम आ चुके हैं स्ट्राइक पे। तो गाइज, अब इस गेंद पे आपको मालूम होगा क्या यूवी पाजी का रिकॉर्ड टूटेगा फास्टेस्ट सेंचुरी का। ये हाफ सेंचुरी का टूटती हुई गेंद जाएगी सीधा सिक्स के लिए, और इसी के साथ हमने मात्र 11 गेंदों पे अपनी 50 पूरी की है। और कमाल की इनिंग्स, जो लॉक हमने पिछले मैच में खेली थी, उसी को यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए निकोलस। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद, काफ़ी जल्दी खेले ये शॉट, हालांकि फील्डर मौजूद था वहाँ पे, लेकिन 2 रन
लेने से नहीं रोक पाएगा हमें। ओवर की चौथी गेंद निकोलस पहुँचे हैं, यहाँ पे 12 गेंदों पे 53 रन, गेंद हवा में है, फील्डर नहीं पहुँच पाएंगे और यहाँ पे 4 रन मिल चुके हैं हमें। कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर होती हुई। और इसी बीच इस ओवर की आखिरी गेंद बहुत ही ऊंचा शॉट, बहुत ही दूर गई गेंद, एक और सिक्स के लिए। कमाल का अंत हुआ इस ओवर का एक लाजवाब सिक्स के साथ। तो गाइस अब यहाँ पे आखिरी दो ओवर है, क्या हम अपने फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे। इसी बीच बहुत ही नाजुक रन लिया वहाँ पे, अब हो गए स्ट्राइक पे निकोलस, गेंद उड़ती हुई जा रही है, फील्डर नहीं है मौजूद, 4 रन के लिए यहाँ पे एक और चौका लगता हुआ। गाइस अब हम पहुँचे 15 बॉल्स पे 67, गेंद हवा में, इस बार भी कोई फील्डर मौजूद नहीं, इस बार भी मिलेगा चौका। यहाँ पे आज हमारी कोशिश होगी अपना ही फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़े। गेंद हवा में फिर से खेल दिया है, फिर से कोई फील्डर के पास कोई मौका नहीं और 4 रन, 3 गेंदों पर 3 फोर्स लग गए हैं अब तक इस ओवर में। कमाल की बल्लेबाजी, विस्फोटक निकोलस। इसी बीच थोड़ा सा लेट खेले लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ, एक और चौका मिला है। यहाँ पे गेंदबाज कोई भी लाइन रखे तो उस पर हम 4 और 6 लगा ही रहे। इसी बीच ओवर के आखिरी गेंद पर लिया है सिंगल और अब हमें चाहिए 20 रन अपने सेंचुरी तक पहुंचने में और हमें अपनी फास्टेस्ट सेंचुरी तक पहुंचने में हमें ये रन अगले 3 से 4 गेंदों पे लगाने होंगे। हमें अपनी सेंचुरी अगली 3 से 4 बॉल्स में लगानी होगी तभी फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड टूटेगा। इसी बीच पहली गेंद हवा में शॉट, फील्डर थे ज़रूर लेकिन रह गए गेंद से दूर और गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन, लाजवाब शॉट के साथ ओवर की शुरुआत। पहुँचे हैं 20 गेंदों पर 84। इसी बीच हवा में शॉट, ये लगा है परफेक्ट और गेंद देखिए कहाँ जा रही है, सीधा मैदान के कोसों दूर फॉर अ ह्यूज सिक्स। अब पहुँच चुके हैं 90 पे 21 गेंदों पे। इसी बीच उड़ता हुआ एक और शॉट और उड़ती हुई गेंद जा रही है मैदान से बहुत बहुत दूर, एक और सिक्स के लिए। अब यहाँ पे 22 गेंदों पे 96, अगर इस गेंद पे शॉट आता है तो हमारे 100 पूरे, जी हाँ हो गए हैं पूरे और हमने यहाँ पे अपने ही फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। निकोलस खुश, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कमाल की बल्लेबाजी और बहुत ही लाजवाब, और इसी के साथ टीम भी खुश, टीम मैनेजमेंट भी खुश हमारे इस बैटिंग परफॉर्मेंस से। इसी बीच हमारी इनिंग्स की आखिरी दो गेंदें हवा में शॉट है, कोई फील्डर मौजूद नहीं, तो इसका मतलब 4 रन। गाइस तो यही था वो मोमेंट जिसका आप सब इंतज़ार कर रहे थे कि क्या हम फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद पर भी लगाया है एक कमाल का शॉट, हालांकि मिलेगा केवल चौका ही लेकिन क्या कमाल की एक और इनिंग्स यहाँ पे रही है। और यहाँ पे दोनों के बीच में इसी बात पे चर्चा हो रही होगी कि ये स्कोर से अब मैच जीतना ओपोनेंट टीम के लिए बहुत मुश्किल होगा। गाइस तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा। तो मैं आपसे मिलने वाला हूँ अगली वीडियो में, तब तक आपको इस वीडियो पे करना है लाइक, मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊँगा गाइस बहुत जल्द। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम स्टे सेफ।